नमस्कार, ओम साईराम। साई समर शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। एक ऐसे पुण्य आत्मा जिनके श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में विश्व स्तर पर फैले हैं तथा जिन्हें लोग ईश्वर का रूप भी मानते हैं, वे हैं शिरडी के साई बाबा। शिरडी में साई बाबा के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती है। यह स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और अपने काबिलियत के अनुसार दान दक्षिणा करते हैं। शिरडी के साई बाबा बाकी संतों से थोड़े अलग है क्योंकि इन्हें मानने वाले लोगों के धर्म व संप्रदाय भी विभिन्न होते हैं। आमतौर पर किसी हिंदू संत के अनुयायी अधिकतम हिंदू ही होते हैं, लेकिन साई बाबा एक अपवाद है क्योंकि इनकी आराधना हिंदू, मुस्लिम और बाकी दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं, इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। शिरडी के साई बाबा के विषय में विश्वसनीय जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत श्री साई सच्चरित्र को माना जाता है, जो मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है। साई बाबा हमेशा से ही एकेश्वरवाद पर जोर देते थे। वे अक्सर सबका मालिक एक कहते रहते थे, जो एकमात्र ईश्वर के संदेश को प्रकट करता है। इसके अलावा साई बाबा से जुड़े हजारों चमत्कार और कहानियां लोगों के बीच प्रचलित है। शिरडी साई बाबा की शिक्षाएं। ऐसे असहाय लोग जिन्हें समाज अपमानित करके बेदखल कर देता था, इन लोगों के लिए हमेशा साई बाबा के द्वार खुले रहते थे। अपने जीवन काल में साई बाबा सदैव ही प्रेम, दान, पुण्य, आत्मसंतुष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान और दया धर्म को जीवन में उतरने पर जोर दिया करते थे। उन्हें समाज में पल रहे भेदभाव से कड़ा एतराज था। बाबा हमेशा जन्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध रहते थे। साई बाबा लोगों को अध्यात्म का वास्तविक पाठ पढ़ाने के लिए सभी धर्म के संतों के साथ समय व्यतीत किया करते थे। साई बाबा एकेश्वरवाद को मानते थे और लोगों को भी इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा बाबा विभिन्न प्रकार के असंगत कर्मकांड के विरुद्ध रहते थे। साई बाबा के अनुसार मानवता ही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म है और इसे मानने वाला कर्मवीर होता है। उनके अनुसार सत्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं। उन्होंने सदा ही अपने शिष्यों व श्रद्धालुओं को मानवता में विश्वास रखने की शिक्षा दी है तथा हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा निर्मित करने के लिए ढेरों शिक्षाएं प्रदान किया है। उनके श्रद्धालुओं द्वारा प्रेम और करुणा की शिक्षा को हर तरफ प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओम साईराम।